हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। टुडे विल बी डिस्कस क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 9 इज रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 9.2। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इस एक्सरसाइज को डिस्कस किया है क्वेश्चन को, और आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, और आप इसके बाद आफ्टर दिस 9.2 एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लेंगे नोटबुक में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम। स्टूडेंट, हमें सम फाइंड करना है। रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर मींस नंबर्स जो हैं किस शेप में हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की शेप में, जिसको हम कहते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म। सो फर्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट, -9/10 +22/15। स्टूडेंट, इफ वी फाइंड द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, देन फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, एलसीएम फाइंड कर लें। तो एलसीएम अगर आप फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर 10 एंड 15 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आप डिवाइड करें, 2, 5 या 10। 15 डिवाइड नहीं हो रहा है, नॉट डिविजिबल, उसको आप सेम रहने दें। 3 से आप फिर से करें, 5 को 5 रहने दें, 3, 5 या 15 एंड लास्ट में 5, 1 या 5, 2, 3 या 6, 6, 5 या 30। सो एलसीएम इज 30। एलसीएम आपने 30 यहाँ पर लिखा, डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करें और उस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें। सो 10, 3 जा 30 एंड 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -9 से, प्लस 15, 2 जा 30, 2 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, -27 + 44/30। एक वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव, तो जो आपका ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट को माइनस करें, और ग्रेटर जो आपका नंबर है उसी के साइन को आपको लेना है, यूज़ करना है। तो देखिए पॉजिटिव 44 है, नेगेटिव 27, देन 44 - 27 इक्वल टू, हाँ यस, इक्वल टू 44 - 27 इज आंसर होगा आपका कितना, 17। सो 17/30 दिस इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट, आप डाउट नहीं है, अब आप सम फाइंड कर सकते हैं रैशनल नंबर का। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन का भी हम कुछ पार्ट, एक दो पार्ट और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट है फाइंड, सेम यही चीज़ है स्टूडेंट, बस यहाँ पर नंबर्स अलग अलग हैं। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखें आप सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 7/24 -7/11। हाँ, अभी हमने जो क्वेश्चन था जस्ट अभी जो हमने सॉल्व किया था स्टूडेंट, उसमें हमने क्या आपको कहा था पहले, कि हम पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लें। तो 24 एंड 11, 11 नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको चेक करना है, 36 है, 36 और यहाँ पर है 17। 24 एंड 36 का एलसीएम अगर आप फाइंड करेंगे स्टूडेंट, देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 72। 24 से डिवाइड करिए 72 को 3 टाइम, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 21, 36 2 जा 72, 17 2 जा 34। 34 में से 21 आप माइनस करें, ग्रेटर माइनस है इसलिए आप माइनस का साइन यूज़ करें यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 13/72। ओके, सो
रैशनल नंबर को फाइंड सम फाइंड करना, सब्ट्रैक्शन करना। क्लियर हो गया स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन करना एंड डिवाइडेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट यहां पर हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, सो सेकंड पार्ट, 3/10 मल्टीप्लाई माइनस 9। स्टूडेंट प्रोडक्ट फाइंड करते समय जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं तो आपका दूसरा मेथड है कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर कर सकते हैं, आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ला सकते हैं, आप अपॉन वन लगाइए, आपके आंसर पर कोई भी चेंज नहीं आएगा और ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ओके, आप देखिए 9 3 27, 10 1 10, तो -27/10 ये आपका आंसर है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं आप इसको, 10 2 20, रिमाइनिंग जो है आपका 7 है, ये आपका आंसर हो गया -27/10। ओके, तो देखिए आपको आपने सम जो है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये डिस्कस किए थे बट इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम, जिससे कि आपको किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर कंप्लीट डिस्कस हो जाए, कोई डाउट ना रहे आपको सॉल्व करते समय, एक्सरसाइज को कंप्लीट करते समय। तो हमने यहाँ पर सम फाइंड किया, सब्ट्रैक्शन भी किया, हमने डिफरेंस भी फाइंड किया, रैशनल नंबर का हमने प्रोडक्ट भी फाइंड किया। अब रैशनल नंबर को हम कैसे डिवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और फोर्थ में देखिए माइनस थर्ड पार्ट, -4/5 डिवाइड -3। स्टूडेंट यहाँ भी प्रॉब्लम है, आप कहेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, आप इसको रैशनल बनाइए। ओके, एंड देन 4/5 डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा पीछे वाला नंबर, -1/3। क्रॉस में देखिए कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। माइनस माइनस प्लस, 4 1 4, 5 3 15, 4/15। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट, -1/8 डिवाइड 3/4। -1/8 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3। अब स्टूडेंट देखिए आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी, और बट यहाँ पर अगर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए 4 1 4, 4 2 8, देन 1 1 1, 3 2 6, सो आंसर इज -1/6। सो फाइनली स्टूडेंट आई होप दैट कि आज जो हमने इसको रिवाइज किया है एक्सरसाइज को, अब आपको कोई भी एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और ईजिली अब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।